स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स दिस इज़ द चैनल वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर एंड वी आर प्रेजेंटली फोकसिंग ऑन यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। इन माय फर्स्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ अबाउट समथिंग सम पॉइंट्स अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ वी टॉक्ड अबाउट। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जाना था और अब हम उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क शुरू करने जा रहे हैं जो है टिंटन एबी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है उनकी जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं उनका ये इम्पॉर्टेंट वर्क टिंटन एबी। तो टिंटन एबी में अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला पॉइंट हमें बता रहा है कि द फुल टाइटल ऑफ द पोएम इज़ वॉट। जो पोएम का फुल टाइटल है वो क्या है? तो वो है लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द रिवर वाई ड्यूरिंग अ टूर July 13, 1798। अगर ये पूरा लिखा होगा तब इतना लंबा चौड़ा। यहाँ लाइन्स रिटर्न से लेकर के July 13, 1798। कई बार हमसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो मेनी टाइम्स वी आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ द फुल टाइटल ऑफ टिंटन एबी। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट राइट। सेकेंड पॉइंट इज द पोएम इज़ रिटन इन डेकर सिलेबिक ब्लैंक वर्स। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई पोएम किस में लिखा है, वर्स पैराग्राफ में है कि किस में है। तो ये वर्स पैराग्राफ में है, डेका सिलेबिक ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है एंड इट कंटेन्स अनराइम्ड लाइंस इन आयम्बिक पेंटामीटर। और आपको यह भी याद रखना है कि इसमें अनराइम्ड लाइंस हैं जो आयम्बिक पेंटामीटर में हैं। सो इट कंटेन्स अनराइम्ड लाइंस इन आयम्बिक पेंटामीटर्स। सो ऑल दीज पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज फ्रॉम दीज पॉइंट्स यू कैन बी आस्क्ड क्वेश्चंस एंड आई एम डिस्कसिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द पोएम which will be asked in the TGT, PGT or even NET exam also. So here mainly we are focusing about UP PGT English Literature. जो UP PGT की वैकेंसी आई है उसके लिए ये चैनल मैं पूरी तरह से डेडिकेट कर रहा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर UP PGT और TGT दोनों में ही आपको हेल्पफुल होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ये बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है द पोएम बिगन्स विद। देखिए कई बार पूछ लेता है कि पोएम की स्टार्टिंग लाइन क्या है, किसी भी पोएम की एंडिंग लाइन क्या है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि कोई भी पोएम किस लाइन से शुरू होती है और किस लाइन से ख़त्म होती है। तो ये जो पोएम है टिंटन एबी ये किस लाइन से शुरू होती है? तो वो है फाइव ईयर्स हैव पास्ड फाइव समर्स विद द लेंथ ऑफ फाइव लॉन्ग विंटर्स। ये इसकी स्टार्टिंग लाइन है। तो आप इसकी स्टार्टिंग लाइन याद रखिए, ठीक है। ये होगी स्टार्टिंग लाइन और एंड पूछ रहा है तो जिसकी एंडिंग लाइन है वो है एंड दिस ग्रीन पेस्टोरल लैंडस्केप वर टू मी मोर डियर बोथ फॉर देमसेल्फ एंड फॉर दाई सेक। तो ये इसकी एंडिंग लाइन है। तो इसकी स्टार्टिंग लाइन याद रखिए, इसकी एंडिंग लाइन याद रखिए। तो स्टार्टिंग लाइन क्या है? फाइव ईयर्स हैव पास्ड फाइव समर्स विद द लेंथ ऑफ फाइव लॉन्ग विंटर्स। ये स्टार्टिंग लाइन हो गई। और एंडिंग लाइन मतलब कैसे ख़त्म होती है पोएम? सो द एंडिंग लाइन्स आर द एंड दिस ग्रीन पेस्टोरल लैंडस्केप वर टू मी मोर डियर बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर दाई सेक। ये हो गया इसके बारे में। तो ये कई बार मैंने एग्जाम्स में देखा है जो पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए, समझिए और दिमाग में बिठा लीजिए। अब देखिए बता रहा है कि ये पोएम कैसी है। ये एक मतलब कन्वर्सेशन पोएम है और इसमें एक साइलेंट लिसनर है, वो है वर्ड्सवर्थ की सिस्टर डोरोथी। तो आपको याद रखना है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कन्वर्सेशन पोएम एंड द साइलेंट लिसनर इन दिस पोएम इज वर्ड्सवर्थ सिस्टर डोरोथी। तो स्टूडेंट्स आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट दिस प्रेजेंटेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ सो दैट आवर ऑल फ्रेंड्स आर बेनिफिटेड हु आर needing Hindi or English presentation as per their choice. So I am discussing everything in Hindi and English both. So first I will discuss in English and then I will discuss in Hindi, right? This sequence will actually follow. First we'll discuss in English and then we'll discuss in Hindi. पहले हम English में करेंगे फिर Hindi में करेंगे. And after that second point is what? It is a monologue. And what is monologue? We have to know. A monologue is a speech by a single character and which presents his mental condition or thoughts aloud and this sometimes directly addresses to audience. So you have to remember that Tintin Abbey is a monologue and what is monologue that you have to know. So monologue is a speech by a single character which presents his mental condition and thoughts aloud. So he is presenting his thoughts aloud. This is what we have to remember. So he is presenting his thoughts aloud, right? So
एंड दीज समटाइम्स डायरेक्टली एड्रेसेस ऑडियंस ऑल्सो। तो ये आपको जानना है फ्रेंड्स कि ये क्या है। एक ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और मोनोलॉग होता क्या है, ये एक स्पीच होती है, एक मतलब कोई कुछ बोलता है कैरेक्टर इसमें कुछ भी, और जो क्या बताता है उसके मेंटल कंडीशन के बारे में बताता है, उसके कुछ थॉट्स को बताता है, और अलाउड मतलब वो जोर से बोल के बताता है, और ये कभी कभी किसी ऑडियंस को भी डायरेक्टली बताया जा रहा होता है। तो ये होता है हमारा मोनोलॉग। तो स्टूडेंट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, पहले इंग्लिश में बताऊँगा फिर हिंदी में बताऊँगा, ठीक है। इट इज़ अ पोएम टॉकिंग अबाउट द पोएट हिमसेल्फ, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस पोएम इज टॉकिंग अबाउट द पोएट हिमसेल्फ एंड इट इज़ रिटन इन अ वेरी सिंपल वोकेबलरी एंड टॉकिंग अबाउट वेरी कॉमन थिंग्स, दोज वेरी कॉमन थिंग्स जस्ट लाइक इंजॉइंग अ वॉक विथ हिज सिस्टर। सो हियर ही इज़ यूजिंग अ वेरी कॉमन थिंग दैट ही इज़ इंजॉइंग अ वॉक विथ हिज सिस्टर एंड इट इज़ टॉकिंग अबाउट द पोएट हिमसेल्फ। सो हियर पोएट इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ एंड वेरी कॉमन वोकेबलरी इज़ यूज। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि ये बहुत ही सिंपल पोएम है, इसमें पोएट अपने बारे में बात कर रहा है, वो बहुत ही सिंपल शब्दों का प्रयोग कर रहा है, बहुत ही कॉमन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, जैसे कि शाम को घूमने निकला है उसके बारे में बात कर रहा है वो, मतलब अपने सिस्टर के साथ शाम को कहीं घूमने निकला है तो उसके बारे में बात कर रहा है ये। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पूरा एक बैकग्राउंड तैयार कर दे रहे हैं पोएम का, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स आपसे पूछ सकता है कि भाई किसके बारे में पोएम है, तो ये जो पोएम है ये पोएट के ही बारे में है, किसके साथ घूम रहा है वो, अपने सिस्टर के साथ घूम रहा है। तो देखिए इन सारे पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है ये जितने भी पॉइंट यहाँ लगे लिखे हुए हैं ना, इन सभी से क्वेश्चन बने हैं या तो बन सकते हैं, पूरे चांसेज हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डाले हैं। सो स्टूडेंट्स वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वी आर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड हियर ऑल दिस पॉइंट्स विल मेक मैनी क्वेश्चन, वन और टू क्वेश्चन और थ्री क्वेश्चन कैन बी मेड फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट इट इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट नेचर कैन सस्टेन इन्फ्लुएंस एंड हील द माइंड ऑफ द पोएट। सो हियर द पोएट इज ट्राइंग टू से दैट नेचर कैन सस्टेन इन्फ्लुएंस एंड हील द माइंड ऑफ द पोएट। सो नेचर कैन डू मैनी थिंग्स, लाइक नेचर कैन डू वॉट, नेचर कैन सस्टेन, नेचर कैन इन्फ्लुएंस एंड नेचर कैन हील द माइंड ऑफ द पोएट। सो पोएट इज ट्राइंग टू से ऑल दीज थिंग्स। इसमें क्या है, पोएट बताने की कोशिश कर रहा है कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसका कितना प्रभाव पड़ता है, कितना यूजफुल है हमारे लिए, हमें कितनी चीज़ों से बचाती है, हील करती है, मतलब ठीक करती है, हमें बहुत परेशानियों से हमें मुक्ति दिलाती है, हमारे माइंड को, हमारे मस्तिष्क को बहुत सही रखती है नेचर, मतलब प्रकृति हमारे लिए बहुत उपयोगी है, प्रकृति हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, प्रकृति हमें बहुत हेल्प करती है कई तरीके से, ये बताने की कोशिश कर रहा है पोएट। दिस पोएम टॉक्स अबाउट हाउ वी हैव चेंज एंड व्हाई वी हैव चेंज ओवर टाइम। सो हियर वी कैन से दैट दिस पोएम इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हाउ वी हैव चेंज एंड व्हाई वी हैव चेंज्ड ओवर टाइम। एंड हियर वर्ड्सवर्थ यूजेस नेचर फॉर द आइडिया ऑफ कनेक्शन एंड यूनिटी। सो हियर वर्ड्सवर्थ is actually using nature for the idea of connection and unity. So he is trying to connect something, he is trying to make some unity. All these things he is trying to do. So students आपको याद रखना है कि यहाँ पे poet क्या बोल रहा है, यहाँ पे poet बोल रहा है कैसे हम समय के हिसाब से बदल गए हैं, कैसे हम पहले क्या थे अब क्या हो गए, कैसे हम टाइम से चेंज हो गए, कैसे चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है, और क्यों चेंज हो गए हैं, ये सब बताने की कोशिश कर रहा है पोएट। हियर वर्ड्सवर्थ यूजेस, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ जो है नेचर को यूज़ कर रहा है, प्रकृति को यूज़ कर रहा है कनेक्शन के लिए और यूनिटी के लिए, मतलब कुछ जुड़ाव रखने के लिए, कुछ एकता रखने के लिए, कुछ अपनापन रखने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो वर्ड्सवर्थ हैं वो प्रकृति का यूज़ कर रहे हैं, नेचर का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि मेनली कनेक्शन और यूनिटी के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। अपने आप को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं अपनी पिछली लाइफ से, मतलब 5 साल पहले वो यहाँ पर आए थे घूमने के लिए, उससे कैसे जोड़ पा रहे हैं, कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, कैसे मतलब इन 5 सालों में सब कुछ बदल गया है, वो सारी ये चीज़ें बता रहे हैं। एंड एक्चुअली दिस पोएम मे बी कॉल्ड एज द स्पिरिचुअल कंडेंस्ड ऑटोबायोग्राफी ऑफ द पोएट। सो वी हैव टू रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट दिस पोएम इज ऑल्सो नोन एज द स्पिरिचुअल कंडेंस्ड ऑटोबायोग्राफी ऑफ द पोएट, मतलब पोएट अपने बारे में यहाँ बता रहा है, बहुत ही कंडेंस्ड और स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी हम कह सकते हैं कि पोएट की है, पोएट अपने बारे में सब कुछ बता रहा है यहाँ पर। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस पोएम मे बी कॉल्ड एज द स्पिरिचुअल कंडेंस्ड ऑटोबायोग्राफी ऑफ द पोएट।
So students, I have taken these points from many sources, and these are very important points which can be asked in your exam. Okay. So just keep these points in your mind. ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है students. The poem deals with the growth of poet's mind through different periods of his life. जो poem ये deal करती है किसके साथ deal करती है, कैसे poet का mind grow करता है, how the mind of poet is growing through different periods of his life, how this mind of poet has grown through the different periods of his life, that is how the mind of poet has grown, this is what this poem is dealing with. तो आपको यहाँ पे ये जानना है students की poem में क्या बताया जा रहा है कि कैसे पोएट के, कैसे कवि के मस्तिष्क का विकास हुआ है उनकी लाइफ के अलग अलग पीरियड्स, मतलब लाइफ के अलग अलग हिस्सों में कैसे उनके मस्तिष्क का विकास हुआ है, इसके बारे में इस पोएम में बताया जा रहा है. तो मेनली इस पोएम में क्या बताया जा रहा है कि ये उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, मतलब उनकी आत्मकथा के रूप में है, और ये उसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे उनका माइंड का विकास हुआ, कैसे उनके मस्तिष्क का विकास हुआ समय के साथ साथ. तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं. ये TGT में भी हेल्प करेगा, PGT में भी हेल्प करेगा और नेट में भी हेल्प करेगा. फिलहाल हम इसको UP PGT के फोकस से पढ़ रहे हैं. तो UP PGT की जो भी तैयारी कर रहे हैं सबको ये प्रेजेंटेशन हेल्पफुल होने वाला है. ठीक है, अब चलिए बात करते हैं समरी की. अब समरी जानते हैं इस पोएम में क्या हो रहा है. नाउ वील टॉक अबाउट समरी, समरी ऑफ द पोएम टिंटिन एबी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द समरी, द पोएम ओपन्स विद द डिक्लेरेशन दैट 5 years have passed since he visited the location. So here the poet is trying to say that 5 years has gone and 5 years earlier he visited this particular place. This is what poet is trying to say. तो देखिए students, poem में क्या बताया जा रहा है कि poet ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस जगह पर वो खड़ा है, जहाँ पर भी आ गया है वो, अब 5 साल पहले वो इस जगह पर पहले भी आया था, और अब मतलब 5 साल, 5 गर्मियाँ बीत गई, 5 सर्दियाँ बीत गई, 5 साल बीत गए, मतलब वो इस तरह से शुरुआत कर रहा है poem को और बता रहा है. ठीक है, द पोएट रिसाइट्स द ऑब्जेक्ट्स ही सीज अगेन एंड डिस्क्राइब्स देयर इफेक्ट ऑन हिम. सो पोएट इज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स व्हाट ही सॉ अर्लियर, नाउ ही इज एबल टू सी देम एंड नाउ ही इज ट्राइंग टू डिस्क्राइब देयर इफेक्ट ऑन हिम, दैट व्हाट इफेक्ट दिस ऑब्जेक्ट हैज ऑन हिम और ऑन हिज पर्सनैलिटी, ऑन हिज माइंड, ऑन हिज मॉरल बींग. सो पोएट इज ट्राइंग टू डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी. सो वी हैव टू रिमेंबर दैट हियर, हमें याद रखना है कि पोएट यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी चीज़ें वहाँ पे वो देख रहा है, नदी, झरना, पहाड़, जो कुछ भी वो देख रहा है वहाँ पर, ठीक है, वो चीज़ें जो भी देख रहा है उसका क्या इफेक्ट है उसके ऊपर, क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके ऊपर, कि पहले उसने देखा तो क्या हुआ, अब देख रहा है तो क्या हो रहा है, अब वो उनको फिर से देख रहा है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका, पोएट यही सब इसमें बता रहा है. द स्पीकर डिस्क्राइब्स द वे इन विच द मेमोरी ऑफ दीज ब्यूटियस फॉर्म्स वर्कड अपॉन हिम when he was not with them. And the speaker is also trying to say that when he was away from these things, when he was away from this place, how these beauteous forms, how this beautiful nature has worked upon him, what was the effect of this beauty of nature on him, how he it helped him, this is the thing what he is trying to describe. तो पोएट यहाँ पे ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस प्रकृति के जो भी नज़ारे हैं, प्रकृति के जो भी वो सीन वहाँ पर वो देख रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ा उनके ऊपर जब वो वहाँ पर नहीं थे. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, यही वो बता रहे हैं कि जब वो वहाँ पर नहीं थे तो इस प्रकृति के क्या प्रभाव पड़े उनके ऊपर, जब वो प्रकृति से दूर थे, इस प्रकृति की सुंदरता का क्या प्रभाव पड़ा उनके ऊपर जब वो प्रकृति से दूर थे, ये बता रहे हैं वो. एंड द मेमरी ऑफ द वुड्स एंड कॉटेजेस ऑफ अ ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन टू हिज माइंड. It influenced his deed of kindness and love. So here poet is also trying to say that these forests, these cottages, ये जो all these things, these all things given him a tranquil restoration to his mind. It provided peace to him. It influenced his deeds of kindness and love. So poet is also trying to say that it influenced his deeds of kindness and love. That is, he developed these deeds of kindness and love from this nature. He learned this kindness and love from the nature. Actually he learned all these things from the nature. This is what he is trying to say, and he is getting peace from the memory of the nature. So he is getting a kind of tranquil. तो यहाँ पे देखिए students, जो poet बता रहा है कि जैसे जंगल है वो, यहाँ पे जो cottages थे, झोपड़ियाँ थी, ये सब उसे, मतलब इसकी जो memory थी उसके दिमाग को बहुत शांति प्रदान करती थी, और कैसे, मतलब उसके अंदर kindness और love है, कैसे उसके अंदर दयालुता, कैसे उसके अंदर प्रेम, ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप हुई, वो
वो सब कहीं ना कहीं नेचर की वजह से है, पोएट ये बताना चाहता है। तो पोएट ये बताना चाह रहा है कि उसके अंदर जो भी प्रेम, लव, जो भी काइंडनेस, ये सब कहीं ना कहीं नेचर की वजह से डेवलप हुआ, और कैसे इन लोगों ने, कैसे इस प्रकृति की सीन ने उसको कैसे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया, कैसे उसको शांति प्रदान की, ये सारी चीज़ें भी पोएट बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये पूरी हम समरी देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो समरी इसकी बहुत अच्छे से समझ लीजिए, पूरी आपको पोएम समझ में आ जाएगी। फिर आप जैसे जैसे रीड करेंगे तो यही सारे पॉइंट देखना आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो पोएट्री को आप एक दो बार रीड जरूर कर लीजिए, क्योंकि कई बार लाइन्स उठा के पूछ लेता है कि ये लाइन किस पोएट्री की है। तो यहाँ पर मैंने पोएट्री को नहीं डील किया अभी, मैंने पूरे वो सारे पॉइंट्स डील किए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप बता रहे हैं कि भाई द मेमोरी ऑफ द सीन ऑल्सो हेल्प हिम टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड इन विच ही इज़ लिविंग। सो ही इज़ ट्राइंग टू से दैट हाउ दिस मेमोरी ऑफ द सीन हैज़ हेल्प हिम टू रिड्यूस द बर्डन एंड दे प्रोवाइड हिम मेंटल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दे प्रोवाइड हिम अ डिफरेंट मेंटल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दिस इज़ वॉट ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन, दैट हाउ दिस नेचर हैज़ प्रोवाइडेड हिम अ डिफरेंट मेंटल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हाउ इट हेल्प हिम टू रिड्यूस द बर्डन। तो पोएट यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि ये जो इनकी याददाश्त है सीन की, प्राकृतिक जो सीन उन्होंने देखे थे, उसकी जो यादें हैं उनके दिमाग में, कैसे उसने इनको हेल्प किया कि जो भी वो जब इस प्रकृति से दूर थे, दुनिया में जब वो रह रहे थे, तो उसका जो भी बर्डन था, कैसे उसको दूर करने में इस सीन ने, इस याददाश्त ने कैसे उनको मदद किया कि भाई उनको कुछ अलग ही मेंटल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड प्रोवाइड किया। उन्होंने भाई नेचर से बहुत कुछ सीखा कि नेचर कैसे अच्छा अच्छा करता है सब कुछ, नेचर कभी बुरा नहीं कर रहा है। तो मतलब उन्होंने ये देखा कि नेचर कितनी सुंदरता प्रदान कर रहा है, कितनी शांति प्रदान कर रहा है, कितनी शीतलता प्रदान कर रहा है। तो नेचर की जितनी भी अच्छी अच्छी क्वालिटी हैं, वो सारी कैसे इनको बर्डन से मुक्त कराती थी। तो ये सारी चीज़ें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब उससे दूर थे तो भी उसने जो है इनको एक डिफरेंट वर्ल्ड प्रोवाइड किया, एक मेंटल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मतलब दिमागी रूप से, आध्यात्मिक रूप से उनको शांति मिलती थी इस, मतलब प्रकृति के सीन के बारे में सोच के, प्रकृति की सुंदरता के बारे में सोच के, इन सारी चीज़ों को सोच के उन्हें बहुत इससे मदद मिलती थी कि वो अपने आप को मतलब शांत रख सकें जब वो इन चीज़ों से दूर थे तब भी। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट द पोएट सेज दैट हिज ओल्ड मेमोरीज आर स्टिल फ्लोटिंग ओवर द प्रेजेंट टाइम व्यू। सो पोएट इज ट्राइंग टू से दैट हिज ओल्ड मेमोरीज आर स्टिल फ्लोटिंग ओवर द प्रेजेंट टाइम व्यू। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो उसकी ओल्ड मेमोरीज हैं वो अभी भी मतलब घूम रही हैं, अभी जो प्रेजेंट टाइम व्यू देख रहे हैं उसके ऊपर अभी भी वो पूरी तरह से छाई हुई है, उसके ऊपर हावी है वो। किस तरह से उसने पहले देखा था नेचर को, अब कैसे देख रहा है, क्या परसीव कर रहा है, क्या समझ रहा है, क्या सोच रहा है, कितनी मेच्योरिटी उसके अंदर आ गई है। तो वो पुरानी यादों को भी कहीं ना कहीं सामने उसके आ रही हैं, जब वो उनको देख रहा है तो उसको पुरानी यादें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो इस समरी में हम यही सब डिस्कस कर रहे हैं कि पूरी पोएम में क्या क्या बताया गया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट ही इज़ टॉकिंग अबाउट ही बिलीव दैट नाउ ही हैज़ चेंज्ड फ्रॉम व्हाट ही वॉज इन पास्ट। नाउ ही इज़ ट्राइंग टू से दैट नाउ ही हैज़ चेंज वॉट ही वॉज अर्लियर, दैट इज़ हिज मेच्योरिटी लेवल हैज़ चेंज एंड ही कैन नॉट रिज्यूम हिज ओल्ड रिलेशनशिप विद द नेचर। नाउ एक्चुअली ही कैन नॉट रिज्यूम दैट ओल्ड रिलेशनशिप, बट देर इज़ अ न्यू काइंड ऑफ बिलीव दैट हैज़ डेवलप्ड इन हिम। सो ही इज़ ट्राइंग टू से दैट देर इज़ अ न्यू काइंड ऑफ बिलीव हैव डेवलप्ड इन हिम एंड नाउ ही कैन नॉट रिज्यूम द ओल्ड रिलेशनशिप विद द नेचर एंड ही बिलीव्स दैट ही हैज़ चेंज्ड दैट वॉट ही वॉज इन पास्ट, दैट इज हिज मेच्योरिटी हैज़ चेंज। सिंपली वी कैन सी दैट और मेच्योरिटी लेवल चेंजेस। सो ही इज, दिस इज़ वॉट ही इज़ ट्राइंग टू से दैट नाउ ही हैज़ चेंज एंड नाउ ही कैन नॉट रिज्यूम हिज ओल्ड रिलेशनशिप विद द नेचर एंड नाउ हिज बिलीव्स हैव चेंज्ड एंड न्यू बिलीव्स हैव डेवलप्ड इन हिम। सो यहाँ पे पोएट ये बता रहे हैं कि भाई अब कैसे वो पहले से और अब में काफ़ी अंतर आ गया उनके अंदर, उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, उनकी सोच बदल गई, अब वो पुरानी तरह से रिलेशनशिप जो नेचर के साथ था उस तरह से नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन एक नया काइंड ऑफ मतलब बिलीव उनके अंदर डेवलप हो गया, एक नई सोच विचारधारा उनके अंदर डेवलप हो गई है, ठीक है। और नया सोच विचार उनके अंदर डेवलप हो गया है, उनके अंदर ज़्यादा मतलब परिपक्वता आ गई, ज़्यादा वो मैच्योर हो गए हैं अब। तो यही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ही सेज ही स्टिल लव नेचर नेचर एंड द नेचर इज़ मेकिंग हिम अ कम्प्लीट मॉरल बींग। सो पोएट इज़ ट्राइंग टू से दैट He loves nature more and more and he still loves nature and nature is making him a complete moral being. So he is saying that nature is making him a complete moral being. तो यहाँ पे पोएट ये भी बता रहे हैं कि भाई वो अभी भी नेचर को बहुत प्यार करते हैं और नेचर ही उनको एक कम्प्लीट मॉरल बींग बना रहा है,
मतलब एक कंप्लीट मोरली अच्छा आदमी, एक कंप्लीट मैन उनको बना रही वो है नेचर, मतलब कि नेचर उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है ये सब करने में, मतलब एक अच्छा आदमी बनने में। तो मोरल, एक कंप्लीट मोरल बीइंग बनने में नेचर ही उनकी मदद कर रहा है, ये पोएट बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब हाँ, कंप्लीट मॉरल बींग बनने में उनकी मदद कर रहा है नेचर, ठीक है, ये भी वो कह रहे हैं, और वो अभी भी नेचर को बहुत पसंद करते हैं। एंड ही सेज दैट ही इज़ इन कंपनी ऑफ हिज डियर सिस्टर हु इज़ हिज डियर फ्रेंड ऑल्सो, एंड ही इज़ एंजॉइंग नेचर एंड ही कैन सी हिज ओल्डर सेल्फ इन हर सिस्टर और इन हिज सिस्टर, और वो भी देख सक इन हर सिस्टर सॉरी। तो यहाँ सो ही इज़ ट्राइंग टू से दैट ही इज़ इन कंपनी ऑफ हिज सिस्टर एंड शी इज़ हर फ्रेंड ऑल्सो एंड शी इज़ इंजॉइंग द नेचर एंड ही इज़ ऑल्सो इंजॉइंग द नेचर विथ हिम, और एंड ही कैन सी हिमसेल्फ लाइक हाउ अर्लियर ही वॉज इंजॉइंग द नेचर लाइक हर सिस्टर, लाइक हिज सिस्टर इज़ नाउ इंजॉइंग द नेचर। सो ही कैन सी दैट हाउ हिज सिस्टर इज इंजॉइंग द नेचर एट प्रेजेंट, अर्लियर ही वॉज ऑल्सो इंजॉइंग द नेचर इन अ सिमिलर वे। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं कि वो अपने सिस्टर के साथ कंपनी में है, उनकी सिस्टर उनके साथ है जो कि उनकी बहुत अच्छी दोस्त भी है, और वो लोग नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। और जब उनकी बहन नेचर को एंजॉय कर रही है वहाँ पर, तो वो देख रहे हैं कि कैसे जब वो पहले 5 साल पहले आए थे, जब वो थोड़ा सा मतलब यंग थे, जैसे कि उनकी बहन छोटी है वो यंग है, तो कैसे वो इंजॉय कर रहे हैं, कैसे वो भी इंजॉय करते थे नेचर को। तो वही वो चीज़ देख पा रहे हैं कि कैसे उनकी सिस्टर वहाँ नेचर को इंजॉय कर रही है, तो अपना पिछला रूप यहाँ पर वो कहीं ना कहीं अपने सिस्टर के अंदर देख पा रहे हैं कि कैसे 5 साल पहले मैं भी इसी तरह से इंजॉय करता था नेचर को। तो ये सारी देखिए पूरी समरी है, सो दिस इज़ द कंप्लीट समरी हियर यू कैन फाइंड, कोई भी पॉइंट इसमें छूटा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पूरी समरी, पूरी कहानी आपको पता लग गई है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ही आस्क मून टू शाइन अपॉन हर सिस्टर एंड विंड टू ब्लो ऑन हिज सिस्टर। सो हियर द पोएट इज ऑल्सो सेइंग दैट ही इज आस्किंग द मून टू शाइन अपॉन हिज सिस्टर एंड टू ब्लो एंड विंड, ही इज़ आस्किंग द विंड टू ब्लो ऑन हिज सिस्टर एंड ही ऑल्सो बिलीव दैट हर सिस्टर विल ऑल्सो गेट हीलिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम द मेमरी ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस एंड ही इज़ ऑल्सो बिलीविंग दैट लाइक ही गॉट हीलिंग एक्सपीरियंस हर सिस्टर विल ऑल्सो गेट हीलिंग एक्सपीरियंस वेन एवर शी इज़ सैड और फियरफुल। मतलब वो ये कह रहे हैं कि उसको भी कुछ ना कुछ अच्छा महसूस होगा वेन एवर शी इज़ सैड और फियरफुल, इट मीन्स वेन एवर शी इज़ फीलिंग सैड और फियरफुल दिस मेमोरी ऑफ द नेचर विल हेल्प हर, दिस इज वॉट ही इज ट्राइंग टू से। सो ही इज सेइंग दैट दिस नेचर इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प हर सिस्टर वेन एवर शी विल बी सैड और फियरफुल, सो दिस इज वॉट वी हैव टू रिमेंबर। तो देखिए यहाँ पे वर्ड्स वर्थ ये भी कह रहे हैं कि भाई मून अपनी लाइट उसके सिस्टर पे डाले, हवा को कह रहे हैं कि भाई हवा तुम उसके चेहरे पर चलो, उसको मतलब फीलिंग दो, मतलब मून की लाइट की फीलिंग मिले, हवा की फीलिंग मिले उसके सिस्टर को। और वो ये भी बिलीव करते हैं कि उनकी सिस्टर को भी हीलिंग इफेक्ट मिलेगा, मतलब बहुत आराम मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा इन सभी चीज़ों की मेमोरी से, जब वो इन सभी चीज़ों से दूर होगी, और जब कभी भी दुखी होगी, जब कभी भी चिंतित होगी, तो उसको इन सभी चीज़ों की मेमोरी, इन सभी सुंदर सुंदर चीज़ों की मेमोरी से उसको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पोएट क्या बता रहा है कि भाई मून से कह रहा है कि उसके ऊपर लाइट डालो, हवा से कह रहा है कि उसके ऊपर बहो, उसके ऊपर चलो, और उसे जो है ठंडी फीलिंग दो, कूलनेस दो उसे, और ये बिलीव करता है कि उसकी सिस्टर को भी बहुत अच्छी फीलिंग इससे आएगी, बहुत आराम उससे मिलेगा। और जब भी वो सैड होगी, जब भी वो फियरफुल होगी, जब भी वो चिंतित होगी, और जब इन चीज़ों से वो दूर होगी, तो उससे इसके जो एक्सपीरियंस होंगे उससे उसको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, यही यहाँ पे वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद लास्ट हमारा ये अब समरी का लास्ट पार्ट आ रहा है कि ही ऑल्सो से दैट इवन आफ्टर हिज डेथ हर सिस्टर विल रिमेंबर हाउ ही वर्शिप नेचर एंड लव्ड इट। सो पोएट इज सेइंग दैट व्हेन ही विल डाई इवन देन हर हिज सिस्टर विल रिमेंबर दैट हाउ ही लव नेचर एंड हाउ ही वर्शिप नेचर। तो यहाँ पोएट ये बता रहे हैं कि भाई उनके मरने के बाद भी उनकी सिस्टर जो है कैसे नेचर को याद रखेगी, कि मतलब ये याद रखेगी कैसे वो नेचर को वर्शिप करते थे, कैसे वो नेचर को पूजते थे, कैसे वो नेचर को इतना प्यार करते थे, मतलब उनके मरने के बाद भी, उनके ना रहने के बाद भी उनकी सिस्टर इन चीज़ों को याद रखेगी, ये भी वो बता रहे हैं यहाँ पर। और ही ऑल्सो सेज दैट शी विल ऑल्सो रिमेंबर हाउ डियर दीज वुड्स आर टू हिम। सो ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू से दैट
his sister will also remember that how these woods are dear to him, how these woods are favorite to him, and what they meant to him. And she is also present between the woods, as she is also now present between the woods with him, as earlier he was. And now he is trying to say that she will also remember everything, that how important these woods are, how dear these woods are, this forest is to them. Here woods means forest, and what they meant to the poet, and she is also present in these woods. तो यहाँ पे पोएट ये कह रहा है कि भाई कैसे इतना इम्पॉर्टेंट है ये जंगल, ये झरने, ये नदियाँ, पेड़, कैसे इसके लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं और क्या उसके लिए महत्व रखते हैं. ये सारी चीज़ें उसकी बहन भी याद रखेगी क्योंकि वो भी उसमें उसके साथ प्रेजेंट है, वो भी उस फीलिंग को ले रही है, इन्जॉय कर रही है. तो पोएट ये लास्ट में कहना चाह रहा है. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारी ये पूरी समरी ख़त्म हो गई. देखिए ठीक है, हमने जो है पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या जाना, पोएम के बारे में जाना. टिनटिन अभी यहाँ से हमने स्टार्ट किया था. देखिए पूरा पोएम के बारे में जाना, क्या है क्या नहीं है. देखिए जो भी पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स से क्वेश्चन बनते हैं टीजीटी पीजीटी में. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जाने, फिर समरी जानी. तो इस तरह से हमने कम्प्लीटली पूरा पोएम को समझ लिया. इसके बाद हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में थीम के बारे में बात करेंगे. तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 हो गया कम्प्लीट. नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे थीम के बारे में, क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में, बहुत सारी चीज़ें वो हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस करें. तो स्टूडेंट्स आप इस पोएम को रीड कर लीजिए, समझ लीजिए. यू जस्ट रीड द पोएम, गो थ्रू द एवरी लाइन ऑफ द पोएम, एंड यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग्स वॉट एवर आई हैव टॉक्ड हियर इन द पोएम. ये पूरी समरी है इस पोएम की, और ये प्रेजेंटेशन बहुत आपको हेल्पफुल होने वाला है. अगर ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और दूसरों को भी शेयर करिए, और इससे मन लगा के पढ़िए. अब इसमें डेली हम कुछ ना कुछ डालेंगे आपके लिए, तो इससे आपको बहुत हेल्प होने वाले. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम समरीज में हम कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम थीम के बारे में पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन वी विल स्टार्ट विद द थीम ऑफ द पोएम. सो स्टूडेंट्स सी यू इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन विद द थीम ऑफ द पोएम. थैंक यू.